काफ़ी ज़्यादा सही है ये, मेरे को तो पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आपको 8,000 रुपये में एक पीजी मिल रहा है, वो भी एक 3-स्टार कैटेगरी के होटल की तरह, सो आपको देर नहीं करनी चाहिए। जो पहले बुकिंग करेगा उसी को रूम मिलेगा, जो लेट हो जाएगा उसको ये रूम नहीं मिलेगा। दोस्तों वेलकम टू आर न्यू वीडियो। पिछली बार मैंने पीजी के रिलेटेड वीडियो बनाई थी, आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई थी उसमें। इस बार मैं धमाका लेके आया हूँ, है ना। सो ये है मेरे पीछे की बिल्डिंग, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट की बिल्डिंग है। एक बार इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या ये बिल्डिंग ऑफर करती है। सो लेट्स गो। दोस्तों एंट्री के बाद हमें सबसे पहले मिलता है इस बिल्डिंग का हॉल, जहाँ पे आप बैठ के अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। नीचे बहुत ही प्यारा ग्रीन ग्रास बिछा हुआ है, सो एम्बियंस काफ़ी अच्छी है। हॉल आपने देख लिया है, अब हम अंदर जाके देखते हैं कि अंदर का कैसा एम्बियंस है। रूम्स देखते हैं, पहले रिसेप्शन देख लेते हैं। ये एक प्रीमियम सेगमेंट का होटल है, और ये होटल किस तरह से बना हुआ है, इसकी सीटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, एकदम टॉप नॉच का ये प्रॉपर्टी है। और मेरे को तो बड़ी अच्छी फील आ रही है, मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट कर लिया जाए। तो चलो एक बार रूम्स देखते हैं। प्रॉपर्टी में लिफ्ट भी है, अगर आपको 4th फ्लोर मिलता है तो लिफ्ट लगी है, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। प्रॉपर्टी में सैनिटाइजर भी है, सो कोविड होने के चांसेस बिल्कुल जीरो। आप कॉरिडोर्स देख सकते हो, प्रॉपर्टी के कॉरिडोर्स। देखना चाहते हो रूम, बोलो। पहले वीडियो को लाइक करो, फिर जाके दिखाएंगे आपको रूम्स। लाइक कर दी ना, आओ फिर आप। सो दोस्तों मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो बोलेगा वो ये वीडियो बोलेगी। आप रूम देखो एक बार। ये होटल का बेड है, मैं सबसे पहले आपको ना गद्दा दिखाऊंगा। सबसे पहली बात मैं बिगाड़ दूंगा इस प्रॉपर्टी को। आप ये गद्दा देखो, 9 इंच का मैट्रेस मिल रहा है आपको इस पीजी के अंदर। ये होटल नहीं है, पीजी है। और अगर कीमत बताऊंगा ना, आप चौंक जाओगे। कीमत लास्ट में बताऊंगा, बने रहो इस वीडियो में। सो अब जाके देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ से क्या व्यू आता है। सो दोस्तों ये एक बालकनी रूम है, आपको इस रूम में बालकनी मिलती है। आप अगर स्मोक करते हैं तो ये बालकनी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप यहाँ खड़े होकर स्मोक कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इवनिंग और अपनी मॉर्निंग। काफ़ी प्यारी बालकनी है, आप यहाँ पे चेयर भी लगा सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कि इस रूम्स में हमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पर 32 इंच की LED विद सेटअप बॉक्स। अब सेटअप बॉक्स का रिचार्ज जो है वो आप लोगों को खुद करवाना है, वो हम करवा के नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत ही बजट में आपको ये पीजी दे रहे हैं, और एक टॉप क्लास का पीजी। कुछ खर्चे आपको करने हैं, जो कि बस एक रिचार्ज है। बाकी आपको एसी मिल रहा है डाइकिन कंपनी का, आप अपनी गर्मियाँ बड़े ही ठंडी में बिता सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कवर, जो कि हमारे पीजी में काफ़ी यूज में आने वाली चीज़ है। तो आप बढ़िया यहाँ पे अपना लगेज रख सकते हो, हैंगर मिले हुए हैं, आप अपने ड्रेस यहाँ पे रख सकते हो। और नीचे ये लॉकर लगा हुआ है, कीमती चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये एक आपको स्टडी टेबल मिल रहा है विद चेयर, सो बढ़िया से आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, अगर आप देख पाओ तो, यहाँ पे बहुत तगड़ा मिरर है। आप अच्छे से अपनी बॉडी को, अपनी ब्यूटी को निखार सकते हो इस शीशे के आगे। यहाँ पे एक वॉशरूम है, जो कि अटैच वॉशरूम है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। अब वॉशरूम देखो, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जूम करके दिखाओ ये कौन से स्टैंडर्ड्स का वॉशरूम है। ये स्टैंडर्ड बता दो एक बार, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का वॉशरूम है। यहाँ पे भी आपको एक बैजिंग मिल जाएगी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। सो वॉशरूम के अंदर आपको एक बढ़िया गीजर मिलेगा, जिन लोगों को गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाना है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शॉवर का साइज देख सकते हो, मुझे इंचीज में तो पता नहीं है कि ये कितने इंच का शॉवर है, बट बहुत ही तगड़ा शॉवर है।
बाकी आपको यहाँ पे वॉश बेसिन मिल जाते हैं और गाइस बहुत ही बढ़िया वॉशरूम है। सो दोस्तों ये जो रूम था ये फिलहाल कपल के लिए रूम था। अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ रुकना चाहते हैं तो आप बढ़िया से ये रूम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयरिंग में रुकना चाहते हैं और अगर किसी अननोन पर्सन के साथ रुकना चाहते हैं उसका भी हमारे पास प्रॉपर जुगाड़ है, तो आओ जरा उसको भी देखते हैं। बाकी आप यहाँ के टैटूज, स्टिकर्स और बालकनीज, कॉरिडोर्स की क्लीनिंग देख सकते हैं। इस हिसाब से क्लीन और मॉडर्न फिनिश में आपको कॉरिडोर्स मिल रहे हैं। आओ एक बार अननोन वाला रूम देखें जो ट्विन शेयरिंग रूम है हमारा। अब अगर आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं सो आपको मिलेंगे यहाँ पे दो बेड, बीच में स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, अगर आपका लड़ाई झगड़ा होता है तो आप दूर दूर रह सकते हो, है ना। बाकी आपको मैट्रेस यहाँ पे भी 8 इंचेस के मिलेंगे और रूम वैसा ही है जैसे हमने पहले देखा। यहाँ पे भी आपको 32 इंच की LED मिलेगी, स्प्लिट AC मिलेगा आपको, आपको टेबल मिलेगा विद चेयर, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। आपको यहाँ पे टेलीफोन भी मिल रहा है इन केस अगर आपको नीचे रिसेप्शन पे कॉल करनी है तो आप टेलीफोन से कर सकते हो। बाकी आपको कवर्ड मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कवर्ड है, और डस्टबिन भी है। बाकी आपको यहाँ भी एक विंडो मिल जाएगी, ठीक है, और शीशा जो हमने पहले आपको दिखाया था ये शीशा आपको जरूर मिलेगा। बाकी वॉशरूम इसका भी वैसा ही है, आप एक बार वॉशरूम दिखा सकते हो। सो दोस्तों मैंने आपको दोनों कैटेगरी के रूम बता दिए हैं। एक अगर आप कपल हो और रुकना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ तो आप एक किंग साइज बेड की बेडरूम ले सकते हो, और अगर आप हो शेयरिंग में रुकने वाले सो ये रूम आपके लिए बेस्ट है। हमारे पास हर एक कैटेगरी के रूम्स हैं, आप किसी भी तरह की कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हैं सो अकॉर्डिंग टू आपकी नीड्स के हिसाब से हमारे पास सारे रूम्स अवेलेबल हैं। आप बस जल्दी से जल्दी कॉल करिए और बुक करिए प्रॉपर्टी। सो दोस्तों अब मैं फाइनली रिवील कर रहा हूँ कि ये कंपनी कितने में आपको रूम प्रोवाइड कर रही है। ये रूम अगर आप अकेले लेना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई रुके, तो आपको रूम पड़ेगा 15,000 रुपीज़ में विद फूड, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। बाकी सैटरडे संडे आपको 3 मील मिल जाएंगी, टोटल 3 मील्स मिलेगी आपको सैटरडे संडे। बट अगर आप रुकना चाहते हो शेयरिंग में, ठीक है, आप चाहते हो कि आप बजट है आपका, आपका बजटेड सेगमेंट है तो आप शेयरिंग में रुक सकते हो। जैसे कि ये रूम है, आपको ये पूरा बेड आपको मिलेगा टोटल 8,000 रुपये में विद 2 मील्स एंड सैटरडे संडे 3 टाइम मील्स, ठीक है। सो आपके साथ यहाँ पे कोई आपके शेयर करेंगे जो आपसे आपको नहीं जानते होंगे और बाद में वो आपके मित्र भी बन सकते हैं, है ना। तो एक बार हम जाके डाइनिंग एरिया चेक करते हैं कि डाइनिंग एरिया कैसा है, आप जहाँ पे खाना खाओगे और खाना खाने की जो स्पेस है, जो एम्बियंस है वो कैसा दिखता है। तो चलो फिर देरी क्यों। तो दोस्तों ये है डाइनिंग एरिया। कैन यू बिलीव कि एक पीजी के अंदर आपको इस तरह का डाइनिंग एरिया मिल सकता है जहाँ पे आप बैठ के अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर रहे हैं। ये है आपका बफे सेक्शन, यहाँ पे लगेगा आपका बफे, बढ़िया से आपका डिशेज पड़ी होंगी, जो आपको खाना होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बढ़िया से आपके राउंड टेबल लगे हुए हैं, चेयर लगा के आप यहाँ पे बढ़िया से बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपने मील्स, काफ़ी ज़्यादा सही है ये। मेरे को तो पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आपको 8,000 रुपये में एक पीजी मिल रहा है वो भी एक 3-स्टार कैटेगरी के होटल की तरह, सो आपको देर नहीं करनी चाहिए। जो पहले बुकिंग करेगा उसी को रूम मिलेगा, जो लेट हो जाएगा उसको ये रूम नहीं मिलेगा। यहाँ पे टोटल 110 लोगों का रुकने का फैसिलिटी है, सो जल्दी करिए, ये बहुत जल्दी बिकने वाला है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। बाकी जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने विजिट करी थी कॉर्पोरेट हाउस के नाम से,
सेम, ये भी एक कॉर्पोरेट हाउस की एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है, बट आपको रेट्स वही मिल रहे हैं, कोई भी रेट में अप एंड डाउन नहीं है, क्योंकि आपको ये रेट्स सिर्फ मेरी वीडियो से मिल रहे हैं। और अगर आप मेरी वीडियो देख के आते हैं तो थोड़े बहुत नेगोशिएशन हो सकते हैं, जो मैंने आपको रिवील किए हैं प्राइसेस, इसमें भी थोड़े बहुत नेगोशिएशन हो सकते हैं। बट ये प्रॉपर्टी जो है ये काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी है, आपको भी लगी होगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके ज़रूर पूछो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ओनर का नंबर, प्रॉपर्टी की लोकेशन और एड्रेस डाल रहा हूँ। होप कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग्स करेंगे और इस प्रॉपर्टी के मज़े उठा सकते हैं। मैं रखता हूँ आज की वीडियो यहीं पे, मिलता हूँ आपको किसी और जगह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।